हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, सो सॉरी फॉर दैट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खस्ता आलू मसाला पूरी की रेसिपी। इसका टेस्ट रेगुलर पूरी से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आटा। 2 कप के करीब मैंने आटा लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सूजी। 4 से 5 चम्मच मैंने सूजी लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। सूजी डालने से पूरी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, पूरी बहुत क्रिस्पी बनती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इसे हम क्रश करके डालेंगे, इससे पूरी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आलू डालने से पहले इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डालूंगी बॉइल्ड आलू, 2 मीडियम साइज के। इन आलू को मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें अगर मोटे पीसेज रह गए तो पूरी फूलेगी नहीं। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया, 1 चम्मच ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम गूंदेंगे बिना पानी के, क्योंकि बॉइल्ड आलू में अपना मॉइस्चर होता है, तो पहले आटे और आलू को कंबाइन करेंगे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। पूरी का आटा थोड़ा सख्त गूंदा जाता है, अगर आप सॉफ्ट आटा गूंदेंगे तो पूरी फूलेगी नहीं और फ्राई करते समय पूरी बहुत ज़्यादा तेल ऑब्जर्व करेगी। तो आपको आटा हमेशा ध्यान से गूंदना है, आटा हमेशा सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूंदना है। जब आटा पूरी तरह से गुन जाए तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से आटा थोड़ा चिकना हो जाता है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ये अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम इसे ढककर रखते हैं तो आटा अच्छे से बाइंड हो जाता है और पूरियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं। पंद्रह से 20 मिनट बाद इसे कुछ सेकंड के लिए हम मसल लेंगे। अब हमारा आटा पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे बेल लेंगे और छोटे बड़े साइज की जैसे भी आपको पसंद हो आप पूरी को बेल लीजिए। तेल गरम हो चुका है। तेल को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही गरम करना चाहिए। तेल ना तो बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। तेल अगर बहुत ज़्यादा गरम होगा तो पूरियाँ जल जाएंगी और अगर ठंडा होगा तो पूरी कभी भी नहीं फूलेगी। तो तेल का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होना चाहिए। लीजिए, बहुत ही बढ़िया मसाला आलू पूरी बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, सफर में कहीं जाना है तब भी आप साथ ले जा सकते हैं, और ब्रेकफास्ट के लिए भी ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोज देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।